सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुनीत अग्रवाल। पुनीत जी, ये क्या मामला निकल के आया है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई साहब देखो, मैं बोलना क्या चाहूंगा, ये तो सब कुछ दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर सरकारी अधिकारी होने के नाते इन लोगों ने किस तरीके का मेरे ऊपर दबाव बना रखा है। मैं खुल के इनके सामने इनके जो एविडेंस है, जो इन्होंने फर्जीवाड़ा करा है अटर्नियों में, वो सब के सामने दिखाकर ही मुकदमा कायम कराया गया है मेरी तरफ से। ये फर्जीवाड़ा क्या है, किस आधार पे? इस आधार पे बना कि हमने जो है एटीएस कॉलोनी के अंदर एक जमीन ले रखी है, उसमें बोरिंग का विवाद हुआ था। उस बोरिंग के विवाद में इन सब लोगों ने, जिसमें मेन अभियुक्त यही था सुनील शर्मा, इन्होंने ये हालात बना दिए यहाँ पर, कॉलोनी को इतना उत्तेजित कर दिया, कॉलोनी वासियों को इतना उत्तेजित कर दिया कि वहां पर लड़ने इतने आए, मतलब 150-200 आदमी वहां लड़ने आए, और इसने इतनी दो पौड़ी का आदमी है, ये सब उल्टी फुल्टी बातें जो नहीं कहनी चाहिए किसी भी एक गरीब आदमी के लिए, किसी भी एक नॉर्मल आदमी के लिए, किसी एक मतलब समाज में रहने वाले आदमी के लिए नहीं कहनी चाहिए। मगर इन्होंने बिल्कुल पड़ोसी धर्म भी नहीं निभाया कहीं से कहीं तक भी, और उल्टी फुल्टी बातें सब मेरी और मेरी बीवी और मेरे बच्चों के लिए खूब उल्टी फुल्टी बातें जो इनके मन गलत इन्होंने अपने पेट से बनाई वो कहीं थे। मगर हमने कभी आज तक किसी बात का विरोध नहीं किया, इनसे हर तरीके से कानून के दायरे में होके लड़े। कानून ने जब हम कोर्ट गए इसको लेके कि भाई हमारी जमीन पे बोरिंग क्यों नहीं लगा देना चाहते, कोर्ट ने हमें स्टे करा कि प्रतिवादीगणों को सबको स्टे करा कि जो है ये लोग सब पुनीत अग्रवाल उनके परिवार के सभी जनों की जो जमीन है उसमें कहीं भी उपयोग उपभोग में कहीं भी बाधा नहीं बनेगी। उसके बाद कप्तान साहब ने के पास में गया, उन्होंने सारी चीजें समझी, समझने के बाद बोरिंग उन्होंने हमें फोर्स के साथ लगवाने। लेकिन सर इसके अंदर ये जो फर्जीवाड़ा बता रहे हैं शपथ करके, उसके बाद ये क्या हुआ? जो मामला चल रहा था उसमें मुकदमे चलने में इन लोगों ने क्या करा कि जो है दो ही लोग इसमें एक्टिव है, 12 लोग हमने प्रतिवादीगण बनाए गए थे इंडिविजुअल आदमी, बाकी एक प्रतीक रिजॉर्ट भी थी और प्रतीक रिजॉर्ट कंपनी और एक आरडब्ल्यू यहाँ की जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है उनको हमने पार्टी बनाया था। जो 12 आदमी इंडिविजुअल थे उनमें से दो ही लोग ऐसे एक्टिव मेंबर थे जो हमसे मुकदमा लड़ना चाहते थे, बाकी सब लोग नहीं लड़ना चाहते। उनके सब फर्जी साइन करके फर्जी अटॉर्नी बना के, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं नोटरी नहीं है, वो अभी जिनके अटॉर्नी बना के इन्होंने कोर्ट में दाखिल करी, वो अभी बिल्कुल फर्जी पाई गई, उसी के बिहाफ पर ये मुकदमा कायम हुआ।